हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, ये पांच धर्म इंश्योरेंस के बाद दोस्तों एक और अपडेट आया है कि महीने का कुछ पैसे आप जमा करते हो यूएई गवर्नमेंट के पास दोस्तों, तो आपकी जॉब चली भी जाती है। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में सरकारी जॉब हम लोग जब करते हैं तो जब हम रिटायर होते हैं तो या तो रिटायरमेंट के टाइम एक साथ हमारा अमाउंट मिल जाता है या फिर मंथली वे पे जो पेंशन बोलते हैं वो मिलता है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों एक अपडेट आया है, एक न्यूज आया है दोस्तों, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यूएई दुबई में रहते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि जिस देश में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहां का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों कि मान ले यहां एक अभी सिस्टम आने वाला है, जस्ट अभी लागू हुआ नहीं है, बट दोस्तों गवर्नमेंट ने एक क्लू दिया था, एक इशारा किया था कि अगर आप यहां का महीने का 1000 दरम अब जमा करते हो, बट ये वर्कर कैटेगरी के लिए दोस्तों 1000 जमा महीने महीने करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आने वाला दौर में कोई हो सकता है दोस्तों कि उससे कम में भी सिस्टम आ जाए कि महीने का 100 दरम या 150 दरम जो लोग जमा करते हैं उनको भी गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। बट ये अभी 1000 दरम वाला है कि महीने का मान ले कोई आदमी अगर 1000 दरम जमा करता है महीना महीना, तो मान लिए आप 50 साल बाद उसका भी सिस्टम है कि इतना साल के बाद अगर वो रिटायर होता है तो इतना जितना साल वो जिंदा रहता है दोस्तों उसको जितने सैलरी मिलती थी वो हिसाब से आपको लाजिम सैलरी मिलेगी। तो आने वाला दिनों में दोस्तों गवर्नमेंट ने ये अपडेट जारी करेगी, क्योंकि कर चुकी है, क्लू दी है दोस्तों, बट ये अभी लागू नहीं हुआ है कि महीने का। लेकिन अगर जो लोग यहाँ से जॉब से रिटायर भी हो जाते हैं, कंपनी छोड़ भी देते हैं और ये इंश्योरेंस करा लेते हैं दोस्तों, तो अदर कंट्री पर तो भरोसा नहीं है, बट दोस्तों आप यूएई में रहते हो, यूएई गवर्नमेंट के अंडर में अगर ये सिस्टम चलता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बोलती है वो करके दिखाती है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वर्कर के लिए भी ये सब चीज़ लाए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग यहाँ काफ़ी साल रह लेते हैं फिर भी हमारे पास एक रुपये नहीं होता है। घर जाने के टाइम पता चलता है कि कुछ भी पैसा नहीं बचा है, बहुत सारे कंपनी ग्रेजुएटी भी नहीं देती है, लीव सैलरी भी नहीं देती है। लेकिन ये नियम अगर लागू हो जाए कि हाँ महीने का 100 दरम हमको जमा देना है जब हम रिटायर हो जाएँ 10 साल बाद, 12 साल, 15 साल, जितने साल बाद, तो हमें जाने के टाइम गवर्नमेंट या तो पैसा दे या मंथली बेस पर पैसा दे। बट 1000 वाले लोगों के लिए दोस्तों ये नियम जस्ट अभी ऐलान होना ही बाकी है, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, ये आने वाला दिन में ये सब हो सकता है। मैं सोचा अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोग इस पर कुछ रिसर्च करें और कुछ सोचें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।